नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News। SPN 9 News में आपका स्वागत है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने रविवार को भारतीय कुश्ती संघ की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी, जिसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि मुझे ये जानकारी मीडिया के माध्यम से ही पता चली है। उन्होंने कहा, पूरी फेडरेशन के रद्द होने को लेकर मैंने अभी तक लिखित में कुछ भी नहीं देखा है। मैंने कल रात भी ट्वीट किया था कि मैं 2 दिनों से परेशान हूं। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है और ना ही आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई सिर्फ महिलाओं के लिए थी। फेडरेशन में जो नई लड़कियां हैं उनके लिए थी। मैंने संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन चाहूंगी कि आने वाले पहलवानों को न्याय मिले। इसी को लेकर साक्षी मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो। अभी जो सरकार ने जो कार्रवाई की उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है। तो रद्द किया गया है, तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ जरूर बातचीत करूंगा। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी क्या इंतजार क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं। तो जैसा भी होगा फिर आगे। इस बयान के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पीसी की और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। क्या साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूंगी। तो आपने यहाँ ये वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा? इसी बीच आपको बता दें कि संन्यास वापस लेने वाले सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने WFI के निलंबन पर कहा, यह पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम शुरू से कह रहे थे कि यह बहन बेटियों की लड़ाई है और हम इसके लिए लड़ना चाहते हैं। यह पहला कदम है, हम चाहते हैं कि एक महिला WFI की प्रेसिडेंट हो। सरकार बहन बेटियों को और समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ साक्षी मलिक ने कुछ इस तरीके से अपना ये बयान दिया है। इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिएगा SPN 9 News। धन्यवाद।